जी बेटा बोलो गुरुदेव आपके चरणों में कोटी कोटी नमन खुश रहो खुश रहो गुरुदेव हमारा सवाल यह है कि हमारा सनातन धर्म सत्य है परंतु उस पर सवाल क्यों हमारा सनातन धर्म सत्य है पर लोग उस पर सवाल उठाते हैं बेटा सवाल भी उसी पर उठाया जाता है जो सत्य होता है झूठ पर सवाल ही कौन उठाएगा जी झूठ पे कौन सवाल खड़ा करेगा असल में गुरु जी मतलब सत्य है इसलिए तो हजार सवाल भी हैं झूठा होता तो एक भी सवाल ना होते तो जिनके झूठे हैं उनमें कोई सवाल नहीं जिनका सच्चा उनमें हजार सवाल है क्योंकि तो गुरु जी हम देखते हैं यूट्यूब पर फेसबुक पर आपके ऊपर हमारे सनातन धर्म के कई लोगों पर सवाल करते हैं, हाँ, गलत वो, बोलते हैं तो खराब लगता है महाराज जी। हाँ आपका कथन सत्य है आप ठीक कह रहे हैं आपकी चिंता भी जायज है धन्यवाद आपको कि आप सनातन के लिए सोच रहे हैं कितनी उम्र है आपकी हमारी सत्रह वर्ष वाह देखो सत्रह साल के बच्चे सनातन धर्म के लिए इतने उत्सुक हैं जानने को और उस धर्म की रक्षा के लिए ऐसे वीर बच्चों को धन्यवाद देता हूँ मैं और उनके माता पिता को जिन्होंने सनातन को जानने के संस्कार दिए सनातन को आज लोग भूलते जा रहे हैं खासकर इस उम्र के बच्चे यदि ऐसे सवाल कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि अब देश जाग रहा है अब देश हमारा जाग रहा है आपने ठीक प्रश्न किया लेकिन एक बात और है कि जो जो सनातन धर्म पर उंगलियां खड़ी करता है जैसे मुंबई में जितनी पिक्चर बनाने वाले लोग हैं इन्होंने साहब ऐसी ऐसी, ऐसी पिक्चरें बनाई हमारे देवी देवताओं के अपमान पर आज क्या हाल हो रहा है पिक्चर हर एक पिक्चर फ्लॉप होती चली चली जा रही है क्यों अब सनातन जाग गया हिंदू जाग गया कि अपने धर्म पर आघात करने वालों को हम सफल कैसे बना सकते हैं इसलिए अब कोई नहीं देखता उनकी पिक्चरें अब हमारे देश में दक्षिण भारत की पिक्चरें देखी जा रही हैं जहाँ वो पिक्चरें जिसमें हमारे देवताओं का सम्मान है जो पिक्चर दक्षिण भारत से लॉन्च होती हैं हम तो पिक्चरों के बारे में बहुत जानते नहीं हैं एक मुंबई का कुछ उसको बोलते हैं वहाँ का तो वो ज़्यादा सक्सेस पिक्चर हो रही हैं क्यों जैसे बाहुबली इत्यादि पिक्चर में शंकर जी को सम्मानित किया गया तो ऐसी पिक्चर है जिसमें सम्मान है देखिए कितनी सुपर डुपर हिट हुई बाहुबली और सबने सराहा देशों विदेशों में देखी गई तो भारत के लोग अपनी संस्कृति का मजाक बना के पिक्चरों में दिखाएंगे तो कौन देखेगा भाई बहुत हो गई अज्ञान था लोगों में तब करा लिया अपमान कर लिए अपमान अब धीरे धीरे जाग रहे हैं आप जैसे बच्चे जागेंगे तो देश जाग जाएगा यही सनातन का जागना है आप जैसे लोग जाग रहे हैं बस मुझे खुशी इस बात की है कि आपने सवाल कर लिया मतलब आप जागे हुए हैं गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम खुश रहो बस आपका ये जागना ही आप लोग आप मैं तो ये, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे देश के आप जैसे बच्चे दो चार मूर्खों को तो आप लोग ही अपने ज्ञान से सलटा दिया करो हाँ अपने ज्ञान से अपने विवेक से सनातन धर्म के बढ़िया जो कथा में हम समझाते बताते हैं उन प्रश्नों को उठाया करो और जो बोले तुरंत उसके सामने उत्तर दे दिया करो क्या बात करते हैं आप सनातन को आप कितना जानते हैं जितना पुराना सूर्य और चांद है उतना पुराना हमारा सनातन धर्म है इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है राम कृष्ण चौबीस अवतार सारे इसी धर्म में आए तो सना अच्छा एक बात और है सनातन भारत से ही सारी दुनिया में संस्कार गए थे और अब वो दिन आ गया मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ आप भी देखेंगे जब सारी दुनिया एक समय था भारत पर डिपेंड थी दुनिया वो दिन जल्दी आएगा जब पूरी दुनिया भारत पर डिपेंड हो जाएगी क्योंकि अब हम जाग रहे हैं अब हमारा देश आयात कम निर्यात ज़्यादा कर रहा है टेक्नोलॉजी ले लीजिए सामान्य ज्ञान ले लीजिए जो भी है अब ज्ञान यहाँ से जा रहा है है ना वो गया जमाना जब हम निर्भर थे दूसरों पर अब हम स्वावलंबी बन रहे हैं जाग रहा हमारा देश वो फिर चक्कर है ना पहिया है घूम के फिर आएगा तो यहाँ से ये विश्व गुरु था है रहेगा तो विश्व गुरु की ओर हम फिर से बढ़ने लग गए हैं भारत से लोग सीखने लग गए हैं अभी कोरोना काल में जो लोग हाथ मिलाते थे उन्होंने कोरोना काल में हमसे राम राम करना सीख लिया दूर से राम राम करो ये बात बड़ी ट्रेंड हुई थी समाचार न्यूजों में तो दुनिया सीखेगी कब तक भागेगी शिक्षा का केंद्र तो यही है बोलो बेटा राधे श्याम गुरुदेव जी राधे गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको शिवलिंग छूनी चाहिए या नहीं छूनी चाहिए हाँ कोई मना ही नहीं है किसने मना कर दिया गुरुदेव मैंने सुना था कि शिवलिंग नहीं छूनी चाहिए अशुद्धि के दिनों में महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए मंदिरों में दूर से प्रणाम करना चाहिए परंतु जहाँ छूने की व्यवस्था है जहाँ जल चढ़ाने की व्यवस्था वहाँ चढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं कि छू नहीं सकते ऐसा नहीं भगवान सबके हैं ना स्त्री ना पुरुष ना लड़की ना लड़का कोई भेद हमारे सनातन में बेटा भेद था ही नहीं कुछ मूर्खों ने ऐसी उल्टी बातें कह कह के भेद कर दिया और कहा देखो जी तुम्हारे यहाँ तो बड़ा भेद है बड़ा भेद है, है वह कुछ नहीं क्या भेद है हमारे यहाँ कई महिलाएं आप जैसी बेटियां प्रश्न करती हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं क्या अरे हमारे यहाँ भेद किसने मना किया लिखा ही है ना तुलसीदास जी ने लिखा ही है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो यह पढ़े यह नहीं लिखा कि पुरुष यह पढ़े और स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा ऐसा नहीं लगा जो यह पढ़े जो पढ़े जो मतलब जो भी पढ़े स्त्री पढ़े पुरुष पढ़े हिंदू पढ़े मुसलमान पढ़े है ना जो पढ़े मतलब बच्चा पढ़े बूढ़ा पढ़े जो पढ़े मतलब जब पढ़ो जैसे पढ़ो जो पढ़े जब पढ़े तब उसको सिद्धि होगी तो अधिकार सबके लिए है कुछ मूर्खों ने बेटा ऐसी बातें की आप लोगों ने मान ली अरे उनने कह दिया हाँ स्पर्श भगवान का ना करें उस समय जब अशुद्ध हैं कोई व्यवस्था ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है है ना अब नहा चुके हैं तो दूर से प्रणाम कर लेना ठीक है है ना एक छूने ना छूने का एक समय होता है है ना तो उसका ध्यान रख ले माँ के ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं छूना चाहिए महिलाएं भी शिवलिंग बनाती हैं पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बना के अभिषेक पूजन करती हैं तो सब हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है